बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद नदीम और मैं हूं नदीम। नादरीन वेलकम करता हूं आज के टॉक शो में। नादरीन मैं लेकर आया हूं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट। बात करेंगे कि एलेक्स एज और फिल साल्ट ने जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के हवाले से। जो T20 मैचेस हो रहे हैं, कैसा खेलेंगे, कैसे उनकी अप्रोच होगी और किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा रहा है और जो है ना बाबर आजम के साथ T20 में कौन ओपन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के मैचों के टिकट थे T20 सीरीज के, वो सारे सोल्ड आउट हो गए हैं और शायकीन क्रिकेट का काफ़ी जोश और जज्बा बढ़ चुका है। और इसके अलावा बात करेंगे रमीज राजा के ऊपर, बात करेंगे उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं कुछ प्लेयर्स के हवाले से, और बात करेंगे कि सरफराज अहमद के साथ जो है ना क्यों ना इंसाफी हो रही है, उनके हक में काफ़ी सारे जो है ना क्रिकेटर्स आगे बोल रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है ना सरफराज अहमद ने खुद एक स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के हवाले से, इस हवाले से कंप्लीट आपके साथ बात करेंगे। तो प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से जस्ट इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपने करना क्या है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एलेक्स हिल्स और फिल साल्ट के हवाले से, क्यों उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है। एलेक्स हिल्स ने काफ़ी उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए मज़ा आता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कराची किंग्स की तरफ से उन्होंने क्रिकेट खेली है, PSL के अंदर खेली है उन्होंने। इसके अलावा फिल साल्ट ने जो है ना कराची किंग्स की तरफ से तो नहीं खेली, आई थिंक तो उन्होंने यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेली है। ये दोनों प्लेयर जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। और माशाल्लाह से जिस तरह के इंग्लैंड का अगर स्क्वाड के ऊपर बात की जाए तो उनके स्क्वाड के में जितने भी प्लेयर्स हैं जो अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, चाहे मोइन अली की बात कर लें आप चाहे डेविड विली की बात कर लें, आप फिर साल्ट की बात कर लें, आप जो है ना जैक विल की बात कर लें, ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की PSL के अंदर खेलते रहे हैं और इनका रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं है। हैरी ब्रोक की आप जो है ना एग्जाम्पल ले लें, लाहौर कलंदर की तरफ से उसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है और किस तरह की सॉलिड परफॉर्मेंस दी है और उस तरह के क्रिकेट। और यकीन जानिए कि अगर एलेक्स हिल्स का अगर भला चल गया ना तो पाकिस्तान के बॉलरों का जो है ना वो करके कुछ उम्र दिखाने की चीज़ की हम तो को नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के जो मैचेस हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने हैं। ये T20 सीरीज जो है ना 2022 पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद है, ठीक है, बड़ी खुशाइंद है। 17 साल के बाद जो है ना क्रिकेट टीम आई है। और इस बात से और अगर बात की जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी प्लेयर सेलेक्ट किए हैं ना कमाल के सेलेक्ट किए हैं और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम सेलेक्ट की है। बैटिंग पे तो उनकी आप बात करें या उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, जिस बैटिंग के अंदर एलेक्स हिल्स हो, ठीक है, हैरी ब्रोक्स हो, जैक विल हो, फिर इसके अलावा जो है ना फिर साल्ट हो, मोइन अली हो, तो वो बैटिंग लाइन कभी वीक नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि भाई उनकी टीम पास्ट में कुछ थोड़ी सी T20 क्रिकेट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन इनके जितने भी क्रिकेटर्स हैं चाहे इंडियन कंडीशन हो चाहे पाकिस्तानी कंडीशन हो वहाँ का सही ये फ़ायदा करते हैं और सही यूटिलाइज करते हैं और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है एशियन कंडीशन के अंदर खेलने का। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी डेंजरस और बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी है उन्होंने। तो देखते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के मैचेस कैसे होते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ के पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के जो कराची वाली लीग थे उसके भी तमाम टिकट जितने भी थे वो सोल्ड आउट हो गए हैं, ठीक है, वो तकरीबन जितने भी टिकट थे वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। फिर इसके अलावा जो लाहौर वाली जो लीग है उसके अंदर भी जितने टिकट्स थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। तो शायकीनी क्रिकेट के अंदर काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक इंटरनेशनल टीम फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान के अंदर आके खेल रही है 60 T20 मैचेस और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो, ठीक है। और जहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे PCB को, ठीक है, ECB को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी जो है ना देना पड़ेगा क्रेडिट, ICC को भी जिन्होंने ये सीरीज जो है ना मैनेज की है उन्होंने और उन्होंने टीम को भेजा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे मसले मसाइल बढ़ चुके थे और 17 साल के बाद एक क्रिकेट टीम आ रही है और उसका जो है ना कोई उसके प्लेयर कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, हमारे जो है ना हमारे जो मसले मसाइल हैं वो भी हम इस सीरीज में हल करने की कोशिश करेंगे। अगर इस सीरीज़ में वो वाले मसले मसाइल हल ना हुए तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसले, एक तो मसला होता है एक तो मसाइल होता है, तो ये मसले से भी बढ़कर आगे जो है ना ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को मिडल ऑर्डर को परफॉर्मेंस देनी होगी। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि रमीज राजा ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि शायकीन क्रिकेट से मेरी जो है ना दरख्वास्त है कि कराची वाली लीग है या चाहे लाहौर वाली लीग है, जितने क्रिकेटर भी हैं जितने भी फैंस ऑफ क्रिकेट हैं वो सारे स्टेडियम में आएँ और टिकट बुक कराएं। और क्योंकि उन्होंने सैलाब के लिए डोनेट करना है, क्योंकि फ्लड के लिए जो है ना उन्होंने डोनेशन करनी है, तो मेरी भी यही गुजारिश है। ऑलमोस्ट मैं तो इस टाइम पे मानसरा में हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर पिंडी में होते मैचेस तो मेरे में चला जाता,
तो ठीक है, लाहौर में मैचेस हैं, फिर इसके अलावा जो हैं वो मैचेस हैं तकरीबन कराची स्टेडियम में हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मसला मसाइल हैं, मैं नहीं जा सकता। अगर मुल्तान भी हुए इवन इंशाल्लाह तो मैं जाऊंगा, ठीक है, मुल्तान और कराची स्टेडियम में अंदर अगर मैचेस होते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखने जाऊंगा। तो क्योंकि क्रिकेट एक जोश और जज्बा है, और इंशाल्लाह आपके लिए मज़े मज़े की वीडियो भी मैं साथ साथ लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये उन्होंने काफ़ी जो है ना अपील की है अपनी आवाम से कि भाई जितने कितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज एक बड़ी सीरीज है, बड़ी सीरीज है, तो उसमें जितने भी शायकीन क्रिकेट आएंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और उतना ही अच्छा मैसेज कन्वे होगा बाकी कंट्रीज़ को भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट नहीं हो रही तो इससे अगर जो इंटरनेशनल टीम्स एक बड़ी टीम आगे खेलती है तो उससे काफ़ी सारा इफेक्ट बाकी जो टीम्स नहीं आ रही तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और वो भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने का और देखने का जज्बा पैदा होगा उनके अंदर। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए कि रमीज राजा ने और स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि रमीज राजा के मतलब जो है काफ़ी सारी खबरें गर्दिशें कर रही हैं, और उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद के हवाले से कहा है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सरफराज अहमद जिस तरह से हारिस मोहम्मद हारिस जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम के साथ जिस तरह से मुंसलिक हो रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि सरफराज का कैरियर ख़त्म होने है होता जा रहा है। तो फिर इस पर जो है ना भारतीय क्रिकेटर्स भी बोले, उन्होंने सरफराज की स्पोर्ट में सारे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है। एंकर विक्रांत गुप्ता ने कहा है, विक्रांत गुप्ता ने स्टेटमेंट दी है सरफराज के बारे में, उन्होंने कहा है कि अच्छा किया जो सरफराज को सिलेक्ट नहीं किया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वो इसलिए नहीं सिलेक्ट हुए पाकिस्तान का T20 का कामयाब तरीन कप्तान है और पाकिस्तान को जो है ना चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाला कप्तान है, वर्ल्ड कप में सिर्फ पानी की बोतलें ला के जो है ना प्लेयर्स को नहीं पिला सकता, ठीक है, पिलाता रहेगा अगर सिलेक्ट कर भी देते हैं तो। इनके अलावा खिलाड़ियों के लिए टावर और बोतलें लाएगा, और इसके अलावा अगर सरफराज ने मौका दे दिया और वो अपनी बैटिंग छोड़कर उनको अपना नंबर कैसे देंगे, ठीक है। ये देखें अजय गलत हो रहा है, पाकिस्तान के एक चैंपियन खिलाड़ी है यार, जो भी आप करो, ठीक है, पाकिस्तान ने सरफराज अहमद से और नंबर वन से लेकर नंबर नाइन तक भी बैटिंग की और हर नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है जो कि हमारे जो है ना कोचेज नहीं दे रहे, ठीक है। मैं बाबर आजम के हवाले से भी बात करूंगा, ठीक है, सरफराज ने जो स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के ऊपर उसके हवाले से भी मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। तो देखें अब दोस्त मोबाइल हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से जो है ना सरफराज के हक में आवाज़ें उठ रही हैं, तो वाई नॉट यार इन पाकिस्तान रमीज राजा को इतनी अगर शेयर नहीं आई कि भाई कम से कम हमारा एक्सपीरियंस कैप्टन है उसको साथ लेके चला जाए वर्ल्ड कप के साथ, यार हमें दुख होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सरफराज अहमद ने बाबर आजम को लेकर जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि अगर फखर जमान को मोइज एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी न दिखाने पर रिजर्व में शामिल किया जाएगा तो बाबर आजम को भी रिजर्व में होना चाहिए, क्योंकि बेशक दोनों अच्छे बैटर्स हैं और एशिया कप में दोनों नाकाम रहे हैं, और इस इंसाफ करके या तो दोनों को रिजर्व में खिलाया जाए या फिर दोनों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट उन्होंने बात की है, जो बात भी की है उन्होंने एग्जैक्टली ठीक पॉइंट पर बात की है कि अगर फखर जमान, ठीक है, फखर जमान की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो इंजर्ड भी हो गया है बेचारा, इंजरी होगी है उसको अगर रिजर्व में रख सकते हैं तो वाई नॉट फिर आप बाबर आजम को भी रखें ना, आप फिर चाचू को भी रखें ना, फिर चाचू को जो है ना लाते मार के जो है ना टीम से बाहर निकाले ना, फिर खुशदिल शाह की यार कौन सी परफॉर्मेंस के बगैर, अगर परफॉर्मेंस के बगैर उन्होंने जो है ना जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया ना बड़ा साइलेंट एंड वेरी क्रिटिकल उन्होंने जो है ना क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सरफराज काफ़ी जो है ना वो हो गए आप दीदा हुए हैं पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है इस हवाले से काफ़ी आप दीदा हुए हैं। देखें गलत बात है, हमें अपने प्लेयर्स को जो है ना मौका देना चाहिए और उस पर जो है ना हमारे खास करके जो लेजेंड्स हैं उनको मौका देना चाहिए जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्वाइव किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छे स्टेज के ऊपर जो है ना बेहतरीन टीम को लेकर ऊपर गए हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए और रमीज राजा ने शर्जील खान के हवाले से कहा है कि शर्जील खान अपना चौके और छक्के लगाने से कुछ भी प्लेयर नहीं होता, चौके और छक्के हर कोई लगा सकते हैं, लेकिन शर्जील खान को क्रिकेट में प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो एक जो है मेयार है और जो फिटनेस का वो वाला मेयार बरकरार रखना होगा, ठीक है, उस मेयार पर पूरा इतने नहीं उतरेंगे तो वो कम से कम टीम में शामिल नहीं हो गया अगर डोमेस्टिक में खेलते रहेंगे। देखिए फिर अगर उनकी फिटनेस ठीक नहीं है तो फिर उसको जो है ना आप डोमेस्टिक में भी न खिलाओ, ठीक है, पागल है वो बेचारा सेंचुरी किए जा रहा है, पागल है वो, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे, आज एक और प्लेयर ने भी काफ़ी अच्छी जो है ना पावरफुल इंपैक्टफुल इनिंग खेली है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है।
ये उन्होंने जो है ना इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और आमिर के बारे में कहा है कि उन्होंने सोचे भी ना, ठीक है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी बॉलिंग लाइन है, ठीक है, बेशक बहुत बड़ी पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए T20 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एलेक्स हेल ने 1271 रन बनाए हैं, जैसे कि पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये उनके रन भी देखते हैं इस साल T20 में 2022 में सबसे ज्यादा रन उनके हैं। शान मसूद के 1237 हैं, जॉस बटलर के 1195 हैं और विल जैक के बहुत ज्यादा रन हैं 1193 हैं और टिम डेविड ने 1171 रन बनाए हैं। और विल जैक और आप देख सकते हैं कि किस तरह की उन्होंने टीम सेलेक्ट की है और ये पाकिस्तान के बॉलर के ऊपर फुल हावी रहेंगे और पाकिस्तान को जो है ना इनसे शिकायत देने के लिए काफ़ी सारी हिकमत अमली करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये पाकिस्तान को सही पछाड़ देंगे। फिर इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं फखर जमान भी अपनी टिकट और अखराजात पर इलाज करवाने के लंदन जा रहे हैं। आकब जुवेद ने कहा ही नहीं, ये सिर्फ किसी ने मजाक किया है, मजाकन उन्होंने एक मीम बनाई है, तो इस हवाले से कोई भी कोई खबर ऐसा नहीं है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए टॉप क्रिकेट न्यूज़ के सेगमेंट में, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट टीम समरसेट ने पाकिस्तान के सिलाबजदगान की मदद के लिए 5,000 पाउंड अतियात के तौर पर दिए हैं और वो टीम है जिसकी तरफ से बाबर आजम भी जो है ना क्रिकेट खेलते रहे हैं। और अच्छा है, पाकिस्तान के हालात इस टाइम पे बहुत टफ जा रहे हैं और हर कंट्री जो है ना वो पाकिस्तान के लिए जो है ना डोनेट कर रही है और देते हैं मुसलमान जो है ना, हमें भी अपनी अगर हम अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान के अंदर महफूज रखा है किसी मुकाम के ऊपर, तो हमारे पास भी जो कुछ है तो हम जो है ना जो कुछ कर सकते हैं हम सलाब सदकान के लिए कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए बाबर आजम के ऊपर, तो बाबर आजम जैसे कि कराची टीम में खेलते हैं, कैप्टन भी हैं, ठीक है, उनके कोच ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि कराची किंग के जो हर्षल गिब्स हैं उन्होंने बाबर आजम की बैटिंग पर तबसरा करते हुए कहा है कि मैं बाबर दुनिया में रहता है, बाबर अपनी दुनिया में रहता है, बैटिंग पर दूसरों के मशवरे से ज़्यादा नहीं सुनता। तफसीलात के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर साफरीन ने हर्षल गिब्स से सवाल किया कि आप कराची किंग के कोचिंग के दौरान इसके साथ इस मसले का हल नहीं किया, तो जिस पर कराची किंग के सबक जो उनके कोच थे हर्षल गिब्स, उन्होंने कहा है कि अगर बाबर आजम अपने अंदाज में अटैकिंग ऑप्शन कर लें तो स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, लेकिन हर्षल गिब्स ने कहा है मजीद कहा है कि बाबर अपनी दुनिया में रहता है, बैटिंग पर दूसरों को मशवरे ज़्यादा नहीं मानता, ठीक है। ये बात सच्ची है जिस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, जब इसने पहले T20 मैच में कैप्टेंसी की थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से इसने हारिस रूफ के साथ जो है ना बिहेव किया था, किस तरह का बिहेव किया था। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए ये गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ है एशिया कप का, उसके अंदर जो है ना वो रिव्यू लेने पे जो है ना जब वो तब किया था, वो कह रहा था कि मैं हूँ कैप्टन, आप कौन होते हो रिव्यू लेने वाले थे। वो इससे साबित होता है कि बाबर आजम एक प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की वो जो है ना चूचू का मरबा बना रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना इनकी कैप्टनसी के लिए जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है और उनको एक बड़ा प्लेयर और बड़ा कैप्टन बनने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म करनी होगी। और जिस तरह की टीम उन्होंने सेलेक्ट की है ये टीम जो है ना बहुत ही आप देखिए हमें गलत सबक कर सकती है ये सीरीज जो हो रही है इसके अंदर कैसा परफॉर्म करती है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि टीम इंशाल्लाह इंग्लैंड को शिकस्त देगी, ना सिर्फ बल्कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीतेगी, फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ भी जीतेगी, लेकिन जितना प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ है तो ये प्रेशर जो है ना जाता नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के जो है ना इस प्रेशर से नहीं गुजर सके। तो फिर इसके अलावा अगर बात की जाए आज केपी का जो है ना केपी की जो टीम है उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया, जिसमें शानदार बैटिंग की है साहिबजादा फरहान ने, ठीक है, उसके ऊपर भी नजर नहीं, अगर शरजीत खान की फिटनेस ठीक नहीं है चले उसको तो छोड़ देना, ठीक है, वो पागल है, उसका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा है, सरदादा जो फरहान है उसने क्या घुमाया है, ठीक है, उसने क्या घुमाया है, उसको क्यों नहीं टीम में शामिल करते, उसने भी आई सेंचुरी की है, तो उसने भी बेहतरीन 6 छक्के लगाए हैं उसने और तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने 8 चौके भी लगाए हैं, 61 बॉलों के ऊपर उसने 100 रन के लिए और आई थिंक 145 या 6 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है। तो ये था कि आज का टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट। नाज़रीन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आपने करना क्या है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अलविदा, टेक केयर, बाय।